दादा दादी नाना नानी, ढेरों जिनके पास कहानी, जिनके कंधों पर चढ़कर बीता है बचपन का जमाना, जिनकी पोटली में होता है लोरियों का खजाना। पापा की डांट से दादू ही तो बचाते हैं, कभी वो हमको चिड़ियाघर की सैर कराते हैं, कभी वो घर पे ही भालू घोड़ा बन जाते हैं। दादी की अलमारी जैसे चटखारों की दुनिया, रंग बिरंगी गोली उसमें और चूरन की पुड़िया। वैसे तो ये घर में सबसे बुजुर्ग कहलाते हैं, पर बच्चों के साथ ये भी बच्चे बन जाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चों की इस क्यूट से रिश्ते को सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड का सबसे हैप्पी शो इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज़ी के मंच पे बाहुबली का सीक्वल लेकर आ रहे हैं ड्रामेबाजी की शिवगामी दीपाली बोरकर, थाने के दीवाने कटप्पा यानी श्रीशा, और इंदौर से अमरेंद्र बाहुबली ज्योतिरूप से। मैं हूँ शिवगामी, महेश्वरी मच्छी मार्केट की मच्छी वाली। हमारे यहाँ हर तरह की मच्छी मिलती है, सुरमई, चपटा मछली, रावस। एक तो ये हर बार मेरे हाथ में बच्चा कौन रख जाता है। किसका बच्चा रही है? मेरा बच्चा, मेरा। ए हर्ष, ये ले तेरा बच्चा, इसे जरा 18-20 साल के लिए संभाल लेना, बड़ा करके डॉक्टर बना के जब पैसे कमाने लगे तो वापस कर देना। चलो अब मच्छी बेचने का टाइम हो गया है। मच्छी वाले जाऊं बाहु, तुझे चलते एक्ट में लगी सू सू।
आज ये शिवगामी अपने गले पर हाथ रख के कसम खाती है कि तेरी मेरी कट्टी और रात पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते उसका गला। अरे औरत के बच्चे, ये मेरा ही हाथ और मेरा ही गला है, चल निकल अब। जाजिस मचका मचका बच्चू बच्चू तिगलम तिगलम बच्चू बच्चू मचका मचका बच्चू। ये अच्छा है। चला गया ना बाहुबली तुझे छोड़ कर दान सामी। अब तेरी दुकान को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मछली पका। थैंक्स बाहू, आज मैं तेरे लिए अपने हाथों से मछली बनाऊंगी। उत्तरी मछली में एक लेडीज होती है और रेड पर हाथ डालने वाले कुंगलियां नहीं काटते, काटते उसका गला। अरे तो मछली है, मछली जल की रानी है। रानी तो मुखर्जी है, मुखर्जी तो बंगाली है, बंगाली तो रसगुल्ला है, रसगुल्ला तो स्वीट है, स्वीट तो काजल है, काजल तो दिलवाली है, और मैं दीपाली है। हम बाहुबली है, मेरा बेजा खाली है। बाहुबली पार्ट टू, जबरदस्त जबरदस्त तालियां बजती है यार, ऑडियंस डिमांड पर आए। काजोल मैम, आपको लगता है कि ये आने वाले सुपरस्टार्स हैं? आने वाले पता नहीं, लेकिन अभी से ही सुपरस्टार्स हैं। अभी से सुपरस्टार्स हैं। अमेजिंग है, ऑसम है। और ये छोटू जो बीच में है वो मुझे किसी की याद दिलाता है। एक्चुअली कुछ कुछ होता है, मैं एक छोटा सा सरदार बच्चा था ना, बिल्कुल। हाँ, तुसी ना जाओ, तुसी ना जाओ। मैम आप मेरे पास आओ, मैं आपके लिए गाना गाना चाहता हूँ। तारे तो नहीं गिनाओगे ना? ऐसे ही बुला रहे हो ना? आ रही तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। अच्छा तो मुझे आपसे सवाल पूछने हैं, आपको मुझसे और सवाल पूछने? अरे बहुत सवाल पूछता है। मुझे आपसे पूछना है। अच्छा ठीक है, पूछो। मैम थिएटर में आपकी एक दिन मूवी चल रही थी, वहाँ बहुत ठंड हो गई, बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि थिएटर में आपके बहुत सारे फैंस थे। बहुत अमेजिंग जोक्स हैं ये। अगर घर में लाइट ना होती तो आप टीवी कैसे देखते? आपको घर पे बुलाकर? कैंडल जलाकर। ये जोक के सवाल बहुत भारी हैं। अभी मैं आपसे सवाल पूछूं? यस। हाँ, कोई मेरे साथ बोलेगा? हम सब साथ बोलेंगे भाई, हम सब साथ में बोलेंगे। जो छे कब बनेगा? मैं दिखता छोटा हूँ लेकिन मैं दिल से शेर हूँ। बाप रे। अच्छा ना, क्या है कि हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं जो आपको शेर बना सकता है। क्या चाहिए आपको? गिफ्ट लाए हम। आग मत करो। देख लूं? नहीं। मारा हुआ सिर खटन गया, सिर खट ले आया फिर। जब सुख बनेगा सिर दुनिया देखेगी सर।
काजल मैम ने बना दिया आपको शेर। हाँ। आवाज नहीं सुनाई दी लेकिन एक नानी आप क्या लेकर आए हो ये? एक कीरत सिंह के लिए बना के लाई हूँ, शेर पुत्र बनना है ना इसको। ओहो शेर पुत्र। हाँ बनेगा कि नहीं शेर पुत्र? क्या बात है। हमें इसके बारे में कुछ तो बताइए कि घर पे कैसा है, नटखट है? घर पे बहुत नटखट है, बहुत बाकी शैतानियां करता है, अच्छी अच्छी बातें करेगा, कहानियां सुनेगा, नानू से मस्ती का, नानू उसको चॉकलेट वगैरह दिलाते हैं, नानी के हाथ का लच्छी वाला पराठा सेव खाना उसको अच्छा लगता है, नानू के साथ गुरुद्वारे जाता है, वहाँ बोले सोने और बोलता है गुरुद्वारे में स्पीकर में। कैसे बोलता है? कैसे बोलता है अभी हो ही जाए थोड़ा सा बोल के बताओ कि सर बोलो बेटा कीरत बोले सोने कैसे करते हो गुरुद्वारे में? क्या बात है जोत, जोरदार तालियां हो जाए नाना नानी के लिए जोत स्वरूप के। आप लोग प्लीज बैठिए, इन शो को एंजॉय करिए। ओके विवेक भाई आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, परफॉर्मेंस बहुत फनी। आप लोगों का ये जैसे ओरिजिनल बाहुबली सुपर डुपर हिट था और फिर उसका सीक्वल निकला और बड़ा हिट था, वैसे आपका ये सीक्वल सुपर डुपर हिट है मेरे लिए। मेरी तरफ से भी है ये सुपर डुपर है। वाओ दो सुपर डुपर है। वो जो हाथ था ना? हाँ जी बाहुबली में हाथ। ओके ये वाला हाथ। हाँ हाथ, वो हाथ अब इतनी जोर से ताली बजा रहा है कि सुनामी आ गई। ओए तालियों की सुनामी। सुपर परफॉर्मेंस मेरे लिए। ये ड्रामा तो था ही नहीं, ये था कारनामा था। सुपर डुपर है। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। दुनिया में सैकड़ों बीमारियां हैं जिसका इलाज है, पर अगर बीमारी शॉपिंग की हो तो फिर उसे भगवान ही बचाए। अपनी शॉपिंग की बीमारी का इलाज करवाने आ रही हैं पापा की शान, आकोला की जान, स्निग्धा देशमुख और मैच की महाज्ञानी एंजेलिका पिपलानी। जोरदार तालियां हो जाए। आपने राजकुमार हिरानी जी की फिल्म संजू तो देखी होगी जिसमें एडिक्शन के बारे में बात होती है, लेकिन वो एडिक्शन छुड़वाना तो इजी है। दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन है शॉपिंग का एडिक्शन। जो किसी औरत को लग जाए ना बस फिर पूरी दुनिया छूट जाएगी, लेकिन वो एडिक्शन नहीं। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारी अंजू की। अरे 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 कब से शॉपिंग का एडिक्शन है? नहीं बताऊंगी। ओके बताती शुरू से बताती हूँ। मैंने पहली बार शॉपिंग की जब मेरे पास 430 रुपए और 75 पैसे इकट्ठे हो गए थे। दूसरी बार शॉपिंग की जब माँ बीमार थी, छोड़ के जाने वाली थी और मेरे पास व्हाइट साड़ी नहीं थी। और तीसरी बार तक मैं शॉपिंग एडिक्ट बन चुकी थी। ओके आपके पास नॉर्मल कॉटन की साड़ियों के अलावा और कितनी साड़ियाँ हैं? कांचीपुरम की गिनूं या उसे अलग रखूं? अच्छा अलग ही रख देती हूँ। 308 बनारसी साड़ियाँ याद है और सेफ्टी के लिए 350 मान लो, इतनी तो होंगी। इस एडिक्शन की वजह से अब तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं बचा अंजू। तुम अपना ख्याल नहीं रखती, घर के काम नहीं करती, एक्सरसाइज नहीं करती, योगा नहीं करती। इन शॉर्ट यू आर फिनिश अंजू। ए, मैं कोई गुजरा हुआ कल नहीं जो घर के काम फिर से ना कर सकूं। मैं इस एडिक्शन को खुद से छुड़वा कर दिखाऊंगी और वो दिन आएगा जब मैं कहूंगी अब नो मोर शॉपिंग। यस अपने आप को मोटिवेट करती रहो अंजू, शेरनी हो तुम, शेरनी रोज।
अपना बैग खोलो। अब बताओ इस बैग में क्या क्या है? काजल, आईलाइनर, फेंक दे, मस्कारा, फेंक दे, रुमाल, फेंक दे, लिपस्टिक, फेंक दे, बेबी पिंक है। ओह, फिर मेरी तरफ फेंक दे। I love baby pink. ये लो अंजू, अब अपना डेबिट कार्ड तोड़ो। तुम्हें तोड़ना होगा अंजू। अब ये भी तोड़ो। अब ये भी तोड़ो। शाबाश अंजू, अब तुम्हारे पास सब फिनिश्ड। वेरी गुड अंजू, अब अपनी सारी महंगी महंगी साड़ियां निकालो। वाव अंजू, तुम्हारे पास कितनी सुंदर सुंदर साड़ियां है। आई लाइक दिस कलर। इनमें से दो मैं रख लेती हूँ, बाकी तीन तुम फाड़ दो। हाँ अंजू, तुम्हें ये करना होगा। शेरनी हो अंजू, तुम शेरनी। रोर अंजू रोर। लो अंजू फाड़ो। शाबाश अंजू, तुम ये कर सकती हो। शाबाश अंजू, वेरी गुड अंजू, कर सकती हो तुम ये। शाबाश अंजू, अब तुम्हारा सबसे लास्ट टेस्ट होगा जिसमें कोई औरत अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। 30% ऑफ। सेल, सेल, सेल। वाव, तुम्हारे पास कितनी सुंदर साड़ियां हैं अंजू। वाव, ये सारी साड़ियां मेरी है, सारी मेरी है। कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। क्या कर रही हो अंजू? क्या कर रही हो? विवेक भाई, आपसे करते हैं शुरू। एक्ट अच्छा था। हाँ, लेकिन ये दो परफॉर्मेंस जो हैं, ये बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। तो मुझे लगता है कि जितनी इनकी कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी, उससे थोड़ा कम रहे। मेरे लिए ये एक्ट है सुपर हिट। ओके, नॉट बैड भाई, सुपर हिट, वेरी नाइस। आई वुड लाइक टू गिव इट अ सुपर हिट। ओके, टू सुपर हिट। आपने अपने हिसाब से ठीक ठाक किया है, तो All in fairness, हम देते हैं आपको सुपर हिट। ओके, ठीक है, नॉट बैड भाई, सुपर हिट परफॉर्मेंस, अच्छी बात है भाई। स्निग्धा, आपके यहाँ से कोई नहीं आया आज? दादा दादी नाना नानी? वैसे मैं मेरी नानी को बहुत मिस करती हूँ। जब से मैं छोटी थी तब से मेरे बहुत क्लोज थी, और अभी वो यहाँ नहीं आ सकी क्योंकि वो बेड पर से उठ नहीं पाती, और जब भी मेरा टेलीकास्ट होता है तो वो बेड से उठकर मेरे लिए हॉल में आकर बैठती है। अरे अरे अरे, आज आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है। निग्धा टीवी वर तुला तुझा छान छान भूमिकेत बघताना ही आपली नात निग्धा आहे या विचाराने मला खूप आनंद होतो, आणि मी तुझी आजी असल्याचा मला अभिमान वाटतो। बरं का, संत गोरा कुंभार हा तुझा एपिसोड बघताना मला तुझ्या लहानपणीचा एक प्रसंग आठवला। तू 2 वर्षाची प्ले ग्रुप मध्ये होती, तेव्हा तुझ्या त्या गॅदरिंग मध्ये तू लहान रांगत्या बाळाची भूमिका केली होती। त्या आठवणीने माझे डोळे भरून आले बघ। असं वाटतं आत्ता उठावं आणि जाऊन निग्धाला मिठी मारावी। केवळ अपेक्षेनेच नव्हे तर आत्मविश्वासाने या स्पर्धेत अशीच पुढे पुढे जात राहा, त्यासाठी माझ्या तुला खूप खूप शुभेच्छा आणि आशीर्वाद। हे प्यारी गुडिया निग्धा। नाही नाही नाही, ऐसे रोते थोड़ी है। स्माइल स्माइल,
जो बड़ों की दुआएं होती है ना बेटा, वो सबसे ज्यादा लगती हैं। आप यहाँ स्टेज पे हो, परफॉर्म कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, हेल्दी हो, हैप्पी हो, सिर्फ आपके बड़े जो है ना उतना ही चाहते हैं और उसी से उनको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात। स्निग्धा, आपको कुछ कहना है अपनी नानी को? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपका मुझ पर इतना विश्वास है और आप मेरे लिए इतना सब कुछ करते हो, उसके लिए थैंक यू। ओह स्वीट बाबू। नानी विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू। स्माइल करो, स्माइल करो, अच्छा। यस बिल्कुल। एंजेलिका। यस सर। आपके साथ कौन आया आज? मेरे दादा दादी आए हैं। आइए प्लीज मंच पे आइए। कैसे लगा आपको आपकी एंजेलिका को यहाँ पे इतने बड़े मंच पर पूरी दुनिया के सामने परफॉर्म करते हुए, कैसे लगा? सर आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सिर्फ एंजेलिका की वजह से खड़ा हूँ जिसने आज मेरा सिर ऊंचा कर दिया है और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। मेरी एक पोती पहले बड़ी है तो सर हम चाहते थे कि दूसरा लड़का हो, लेकिन लड़का नहीं हुआ तो ये लड़की हो गई तो मेरा मन बहुत उदास हुआ। और फिर मैं एक बात और बताऊं कि मैं एक्टर बनना चाहता था जी, तो ये लड़की जो है इसने आज मेरा नाम रोशन कर दिया है और मेरा जो सपना है वो इसने पूरा कर दिया है। मैं इस बच्ची का बहुत आभारी हूँ और सॉरी फील करता हूँ कि मैंने जो सोचा था भी लड़का हो लड़की हो गई है, बस मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। बस आपकी ये बात देखकर सुनकर मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे दादा दादी माँ बाप हिंदुस्तान में जो देख रहे हो टीवी पर, वो इसी चीज़ का एहसास करें और जो गलती आपने की इतने साल पहले वो ना करें। बहुत लकी होते हैं लोग जिनकी बेटी होती है और जिनकी दो बेटियां होती हैं वो डबल लकी होती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एंजेलिका, थैंक यू। हमारे दादा दादी नाना नानी हमारे पेरेंट्स से भी ज्यादा हमें प्यार करते हैं, हमारी हर जिद पूरी करते हैं, वो हमें बिगाड़ते भी हैं लेकिन हमें अच्छी आदतें और संस्कार भी सिखाते हैं। ऐसी ही एक बहुत ही टैलेंटेड नानी और उनकी नातिन की रिश्ते की खूबसूरत कहानी दिखाएंगे। काजल मैम आप जरूर ध्यान से देखिए। ओके जरूर आप ध्यान से देखिए। ओके। समर्थ मुखर्जी परिवार की तीन जनरेशंस, शोभना समर्थ जी, तनुजा जी, नूतन जी और काजोल पिछले 80 सालों से भी ज्यादा समय से ऑडियंस को अपने अभिनय से कभी हंसाते, कभी रुलाते और कभी गुदगुदाते आ रहे हैं। एक्टिंग की दुनिया में जो योगदान आपकी फैमिली ने दिया है उसके लिए ड्रामेबाज की फैमिली आपका तहे दिल से धन्यवाद करती है। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Meri nani jo thi, she was amazing. She was supposed to be the world's most beautiful woman at one point. Aur wo mujhe padhati thi. Mujhe, main boarding school mein thi. She was 65 years old. Aur gaadi chala ke khud aati thi mujhe pick up karne ke liye. Aur niche leke jaati thi mere dentist se baat karne ke liye. Aur maine itna, I miss her till today. So thank you so much for that. Thank you. Thank you, ma'am. मैम मैं ये भी पूछना होगा कि उनका आपकी लाइफ में और आपकी एक्टिंग में उन्होंने कैसे आपको इन्फ्लुएंस किया, अगर वो कुछ आप शेयर करना चाहोगे तो। मैम मैं एक फैमिली से आती हूँ जहाँ पे बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग औरतें थी, मेरी नानी ऑफ कोर्स, माय मदर, मेरी मासी, तो ये जितने भी औरतें थी मेरे इर्द गिर्द जिन्होंने मुझे बड़ा किया है, दे हैव टॉट मी बाय एग्जाम्पल। क्या बात।
उन्होंने कभी मुझे बैठ के बताया नहीं कि यू नो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, उन्होंने मुझे करके दिखाया। तो मैं भी ये जो इनहेरिटेंस है मैं भी अपने बच्चों को होपफुली दे सकूं। यू विल मेक अ गुड नानी, यू विल मेक अ वेरी गुड नानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, किचन का वर्ल्ड वॉर दिखाने आ रहे हैं इमोशंस की सुनामी जोया शाह, जो बनना चाहते हैं शेर जो स्वरूप सिंह, और हमारी क्यूट सी जासूस इनू मीनू यानी कि इनायत वर्मा। हेलो हुमा जी। हाय। मैं जज बनी हूँ। ओह। पर मेरी परफॉर्मेंस कोई और ही जज कर रहा है। वैसे मैं ऐसे जज नहीं बन गई, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं मैंने। रसोई के सारे बर्तन आज मेरे नाम से थर थर कांपते हैं। और गेहूं तो अपने छोटे छोटे आटे को मेरे नाम से सुलाती है। सो जा बेटा सो जा, वरना जज बेलन आके तुम्हारी चपाती बना देगा। जो कहेंगी सच कहेंगी। मैं कोई कसम उसम नहीं खाएंगी, क्योंकि मेरा काम खाने का नहीं पकाने का है। माँ कसम इतना पकाती है, इतना पकाती है कि मैं क्या किसी के भी सीटी छूट जाए। ऑर्डर ऑर्डर, पहले आप केस का निपटारा कर दीजिए, फिर जो भी ऑर्डर करेंगी वो बना दूंगी आपके लिए। हाँ तो बताइए केस क्या है? योर ऑनर, 5 साल हो गए हमारी शादी को, पर इस विवेक जी की कुकर ने आज तक मुझे देखकर एक सीटी तक नहीं बजाई है। पर बगल वाली हुमा जी की कढ़ाई पर बात आते सीटियां मारने लगते। हाँ। बताऊं, पहली बात जिसको कढ़ाई कढ़ाई बोल रहे वो तो कढ़ाई है नहीं, वो फ्राई पैन है। फ्राई पैन इस मोटी की तरह भर भर के तेल नहीं पीते। अरे कम से कम अपने बच्चों का तो सोच लिया होता, कल को हमारा कटोरा बड़ा होकर पतीला बन जाएगा और चम्मच करछी बन जाएगी, क्या सोचेंगे। ये लीजिए तेल पोछिए अपना। अंदर से मैं भी एक औरत हूँ, आपका पेन और फ्राई पेन सब समझ सकती हूँ। क्या क्या नहीं किया इनके लिए मैंने, जो आलू इनसे उबाले नहीं जाते थे मैं फ्राई कर देती थी। जज साहब, इसने इतनी बार खाना जला है पर मैंने इससे कभी कढ़ाई नहीं बरती, हमेशा प्यार से बात की। जज साहब, कई कई दिन तो प्याज लहसुन मेरे मुंह पर चिपक कर मेरा मेकअप खराब कर देते थे, पर मैंने भी परवाह नहीं की, चुपचाप अपने मुंह पर राख मल लेती थी। ये मेड इन चाइना फ्राई पैन दिखने में जरूर अच्छा लगता है पर इनकी कोई वारंटी नहीं होती। सॉरी मेरी कढ़ाई, तुम सच में मेड इन इंडिया, तुम्हारे जैसी आईएसआई मार्क वाले कढ़ाई मुझे कहीं नहीं मिलेगी। तैयार है दैया, ऐसा है मेरा सैया। क्या बात है यार। चलिए सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे काजोल मैम। सबने बहुत बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है।
Hats off. क्या बात है? Yes, ये हुई ना बात. बेलन कढ़ाई और प्रेशर कुकर. I love you, but I know कि आप तीनों इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं. लेकिन ये एक्ट क्यूट था, बहुत प्यारा था. Thank you sir. Thank you sir. कॉमेडी मुश्किल होती है, अब क्या करें? तो अब थोड़ा सा चूक हो गई, बट हम पे मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे. जजेस स्कोर्स मेरे लिए है सुपर हिट ऑरेंज. मोटिवेट करने के लिए इस बार दे रही हूँ हिट. मेरे लिए परफॉर्मेंस सुपर हिट. ओके, जोरदार तालियां हो जाए इन लोगों के लिए. थैंक यू सो मच. देखा आपने, ड्रामेबाजी के फैन टीवी तक अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं. अगर आप भी अपने नटखट नौटंकी ड्रामेबाज को टीवी पे देखना चाहते हैं तो उनके ड्रामेबाजी का एक छोटा सा वीडियो बनाइए और भेज दीजिए हमें इस एड्रेस पर. और क्या पता कल आप भी उन्हें टीवी स्क्रीन पर देखें. काजल सर, मैं आपसे पूछना चाहता कि आप इतने सारे एक्टर्स के साथ आपने काम किया है, तो आपने शाहरुख सर के साथ भी बहुत काम किया है. आप लोगों की जो जोड़ी है वो बहुत ही आइकॉनिक है. हमारे पास जो है एक छोटा शाहरुख खान है, एंड आई एम श्योर आप जब उसको देखोगे तो आपको भी कुछ कुछ दिल में होगा. सो बुलाते हैं, नहीं एक्चुअली बुलाने से पहले आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाते हैं. ओके, हमारे छोटे शाहरुख खान की. शोज में चढ़े चढ़े एंकर तो होते रहते संदरीता. तुम नहीं समझोगी, आई एम राज. अरे राज नाम तो सुना ही होगा. अब मैं जान कहाँ करती थी, कोई भी काम छेड़ता नहीं होता है और काम से बड़ा धन नहीं होता है. हार के जीतने वाले के लिए कभी हारना भी पड़ता है और हार वाले के जीतने को पलटबाजी के बाजी कहते हैं. कुछ भी बोलता है. तो चलिए बुलाते हैं हम हमारे शाहरुख खान को. नहीं 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 नहीं, शाहरुख खान को बुलाना है तो फिर काजल मैम को स्टेज पे जाके राज के नाम से पुकारना पड़ेगा. चलो राज के लिए कुछ भी. बुला दूं? दिल से बुलाइए मैम. राज से. का नाम राज का नाम राज. एक और बार राज. नहीं नहीं राज इस तरफ. सिमरन इधर है. अरे नहीं, असली नाम भी पता है. मेरा असली नाम पता है? तीन नाम है ना आपके? मेरे तीन नाम है. आप ही बता दो. आप बता दो कौन से. रीता सिमरन काजल. कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है. हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं. चढ़ी चढ़ी बातें तो होती रहते संदरीता. तुम नहीं समझोगी, एम राज नाम तो सुना ही होगा. अच्छा एक मिनट, आप भी हैं सिमरन. हमारा यहाँ छोटा शाहरुख खान भी है और ट्रेन भी है. आहा, वो आइकॉनिक सीन हो जाए. लेकिन उसमें जो मुझे भागना पड़ेगा ना. भागना नहीं पड़ेगा. अच्छा आपको नहीं भागना, मुझे भागना है. अरे आपको भागना है पर मैं तो दिखा रहा हूँ कितना तेज भागना है कितना. एक काम करते हैं, अमरीश जी की जगह सेम एज ग्रुप के ओके को बना देते हैं.
नहीं सिमरन नहीं, छोड़ दीजिए प्लीज बाबूजी। अरे राज, अगर तुझसे प्यार करती होगी तो पलट के देखेगी, पलट पलट पलट। बाबूजी मुझे छोड़ दीजिए जल्दी। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी विद दैट राज। राज भाग गया। अरे भाग के घर भाग के आ रही है तेरे पास, जा उधर। अरे मैं पीछे हूँ। अरे मैं पीछे हूँ। राज चल राज। राज भाग गया। थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काजोल मैम, आप खुद इतनी बड़ी ड्रामेबाज है, तो हम चाहेंगे कि थोड़ी ड्रामेबाजी इस मंच पर आप भी दिखाएं। एंड विवेक भाई, मैं चाहूंगा कि आप भी आए। यू ऑल्सो कम द ट्री, कम ऑन, आई नीड हेल्प। सो बेसिकली हम छोटा सा गेम है, पहचान कौन। ओके, पहचान कौन। सो स्टार्ट करें विवेक आपसे, चलो। 1 2 3 कौन है ये? शाहरुख खान। योर टर्न। आई वांट एन एज गुड क्यू। आई एम गोइंग टू ट्राई। होए अमिताभ बच्चन। ये वेरी इजी है, वेरी इजी। ओके, वॉक 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 वॉक, कम ऑन। ये किसकी वॉक है, ये किसकी वॉक है? अरे एक्सप्रेशन में भी गौर करो, ये अजय तो नहीं है? नहीं रे। संजय दत्त, संजय दत्त। ओके योर टर्न। यस मैम। मजा आएगा। एक मक्खी। क्या क्या करते हैं? अच्छा है, अच्छा है। क्या यार? अरे वो सलमान खान। अरे यार ये तो अभी आई एम गोइंग टू गिव यू अ डिफिकल्ट क्लू। अच्छा। ओह वाओ। ये क्या हो, ये क्या हो, ये क्यों? आमिर खान। अब मेरी बारी है, चलो। हाँ रेडी। ऐसे करते हो? शक्ति कपूर। नो नो, सीनियर सीनियर सीनियर। लाइन। नो नो नो, गलत हो गया। उसी उसी स्पेस में, उसी स्पेस में। ओके लेट मी ब्रेक इट डाउन इनटू टू। ओके गॉड, भाग मिल्का भाग। नहीं नहीं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रन। अब ये दमशराज खिला रहे हैं। रन रंजीत। Yes, very good. बहुत difficult है, मैं नहीं कर सकती। I will not be able to. You have to, you have to. अच्छा नहीं, you do. Oh, ये मैं हूँ. इस साउंड की विनर है काजोल मैम। आपको मिलता है प्राइज में एक डब्बा। लेकर आइए, कहाँ है डब्बा? भूले।
इसी हंसी खुशी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी हेलीकॉप्टर इला के लिए। 7 सितंबर को रिलीज हो रही है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, फ्राइडे को देखने जाना और सैटरडे संडे वापस यहाँ पर आना, देखना है इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज। यस, सो वंस अगेन थैंक यू मैम फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। काजल मैम, बिफोर यू गो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, आप बड़े मजाकिया हो यार, बड़े मजाकिया हो। थैंक यू सो मच, इतना मजा आया आज के, बहुत बहुत मजा आया। क्या बोलते हैं वहां पे, इट्स ड्रामा नहीं कारनामा था। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। स्क्रीन पर मेरी मम्मा की परछाई हो। जीते जी किसी के काम आना अच्छी बात है, पर दुनिया से चले जाने के बाद भी किसी के काम आना, ऐसी सोच बहुत कम ही होती है। ऐसी ही सोच की एक कहानी सुनाने आ रहे हैं शराफत की मूरत सोहम वर्मा, दादी के दुलारे अनीश रायलकर और एक्टिंग की मास्टर दीपाली बोरकर। जिंदगी की अपनी एक रफ्तार होती है, खुशी की चढ़ाई हो या फिर उदासी की ढलान, सब कुछ अपनी अपनी रफ्तार से चलता है। पर जिस दिन अचानक हमारे किसी अपने की जिंदगी की रफ्तार थम जाती है, उस समय हम बस अपने अकेलेपन, अपने दुख के बारे में सोच रहे होते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस वक्त अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी को बचाने के बारे में सोच रहे होते हैं। ये कहानी ऐसे ही दो लोगों की है। नैंसी। हाँ नैंसी बेटा, कैसी हो? फर्स्ट क्लास। और आप बताइए अपनी तबीयत के बारे में, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो ना? हाँ कभी कभी चला जाता हूँ, सच बोलूँ तो मन नहीं करता। जब तुम्हारी माँ थी तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले जाती थी, अब कंपनी देने वाला कोई नहीं है। तो फिर आ जाओ, आपको कंपनी देने। हाँ आ जा, तेरा ही घर। तो फिर लीजिए, आ गई। नैंसी बदमाश। डैडी। बड़ा सरप्राइज दे दिया तूने। मैंने सोचा आज डैडी और बेटी साथ में मॉर्निंग वॉक करेंगे। जाइए जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपका यहीं पे इंतजार कर रही हूँ। जिद्दी गई की। बेटा घबराओ मत, अभी ठीक हो जाएगा। चलो ड्राइवर कार्ड निकालो, चलो। हेलो। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने आपको कॉल किया था। अच्छा आपने फोन किया था? हाँ। क्या हुआ बेटा, जौलक हो गया? ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस एक इंजेक्शन लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी बेटा, अभी ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं कोई इमरजेंसी नहीं है। अच्छा वो तुमने फिल्म का टिकट बुक कर लिया? अच्छा अरे हाँ मस्त फिल्म है बेटा, हिलो मत, रुको। हाँ हाँ डॉक्टर साहब क्या हो रहा है मेरी बच्ची को? अरे क्या इंजेक्शन लगा दिया आपने? क्या मेरी बच्ची को? जल्दी आओ, आईसीयू में एडमिट करो। अरे आईसीयू में क्यों एडमिट कर रहे हो? हुआ क्या है मेरी बच्ची को? कुछ नहीं हुआ है, आप चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएगी। जल्दी चलो, आप यहीं रुकिए। Oh.
अनुदीप क्या बोले डॉक्टर्स, कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। एक महीने से आईसीयू में है मेरी बच्ची, कब वापस आएगी? पापा, यूके, यूएस, जर्मनी सब जगह मैंने रिपोर्ट्स भेजी थी, पर कहीं से कोई पॉजिटिव आंसर नहीं आया। पापा, अब वेंटिलेटर में रखने का कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं, सांसें तो चल रही है ना मेरी बच्ची की, जब तक ठीक नहीं हो जाती वो यही आईसीयू में रहेगी। अरे पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, हर ब्रेन इज 98% डेड। और इसलिए मैंने ऑर्गन डोनेशन के लिए बात कर लिया चंडीगढ़ में, बस आपके परमिशन के लिए। क्या ऑर्गन डोनेशन? अरे जिंदा है मेरी बच्ची, मरी नहीं है। अगर 1% भी उम्मीद होगी ना, तब तक मैं यही आईसीयू में बैठा रहूंगा। आपको क्या लगता है, मुझे अच्छा लगता होगा नैन्सी को इस हालत में हर दिन मरते हुए देखना? पर सोचिए पापा, नैन्सी की आंखें हमेशा के लिए बंद जरूर हो रही है, लेकिन यही आंखें किसी और के जीवन को रास्ता दिखाएंगी। नैन्सी का दिल जो आज धड़क रहा है, वो दिल यूं ही हमेशा धड़कता रहेगा। बस किसी और के शरीर में। एक बार सोचिए पापा, नैन्सी की वजह से जाने कितनी नैन्सियों की जान बचेगी। प्लीज पापा सोचिए। नैन्सी के हार्ट को जल्द से जल्द चंडीगढ़ से नई दिल्ली ले जाया गया। वो दिल आज भी 15 साल के एक बच्चे के सीने में धड़क रहा है। यही नहीं, नैन्सी की दोनों किडनीज को दो अलग अलग पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट किया गया। इसी प्रकार नैन्सी की आंखें और लिवर भी। अशोक जी के लिए नैन्सी कभी इस दुनिया से गई ही नहीं। इन सब लोगों के अंदर नैन्सी आज भी जिंदा है। जिंदगी की रफ्तार जो थम गई थी फिर से चल पड़ी। ऑर्गन डोनेट करके अशोक जी और अनुदीप ने दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की। इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज का ये मंच आज उन्हें नमन करता है।
सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आज बच्चों ने बहुत अच्छा एक्ट पेश किया, अनुदीप जी ने और मैंने सब ने मिल के ये फैसला किया कि अब हमने पूरे यत्न कर लिए हैं, नैन्सी को हम बचा नहीं पाएंगे, तो फिर हमने ऑर्गन डोनेट करने का फैसला किया ताँ जो नैन्सी के जरिए हम कुछ लोगों का भला कर पाए। नैन्सी के ऑर्गन जिन आँखों में जाएंगे वो एक खूबसूरत दुनिया को देख पाएंगे। नैन्सी का दिल जिस बच्चे के दिल लगा है वो बच्चा अपनी ज़िंदगी जी पाएगा। नैन्सी की किडनी जिन दो पेशेंट को गई वो पेशेंट अब आरामदायक जीवन जी पाएंगे। क्या बात, क्या बात। आज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे भी है जी। मैं जी न्यूज का तहे दिल से धन्यवाद हूँ जिन्होंने आज के दिन ये टॉपिक लिया और ये संदेश जन जन तक पहुँचाने की कोशिश की। अमनदीप जी, हम आपसे थोड़ा सुनना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? मेरा 7 साल का बेटा है, उसकी मदर उस एज में चली गई जिस एज में उसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उस दिन इट वॉज़ वेरी अनलकी डे, हम आ गए, नैन्सी को जॉलॉक हुआ, सो वी टुक हर टू अ डॉक्टर, विद इन 20 मिनट्स शी वॉज ऑन वेंटिलेटर, एंड देन फॉर नेक्स्ट 24 डेज यू नो वी वर वेटिंग। और उन 24 डेज में हमने बहुत सोचा, मतलब क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, लाइक वी अप्रोच एवरी न्यूरोलॉजिस्ट पॉसिबल यू नो जो भी हमारे रेंजेस में थे, बट देर इज़ नो पॉसिबल वे जिससे ब्रेन सेल्स रीजनरेट हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता था। और नैन्सी खुद से भी ये चाहती थी कि उसकी आइज डोनेट हों, शी वॉज सच अ प्रिटी गर्ल, इतनी सुंदर उसकी आइज होती थी जब वह लाइफ थी कि एक बार मैं उसको पूछा, नैन्सी मतलब शी वॉन्टेड इट, तो ओके। सो अब अगर हमारे को मौका मिल रहा था तो आई थॉट वी शुड डू दैट, एंड आई एम श्योर वेर एवर शी इज शी विल बी वेरी हैप्पी दैट वी टुक दिस डिसीजन। जब इंसान खुश होता है तब वो दूसरों के लिए सोचता है, वो नॉर्मल बात है, लेकिन अपने सबसे गहरे दुख में भी दूसरों के लिए सोचना ये बहुत बड़ी बात है। हैट्स ऑफ, आपने जो हमारे साथ इस कहानी को शेयर किया और नैन्सी की जो हीरोइज्म है इन हर लास्ट एक्ट, उसमें भी लोगों को प्रेरणा मिले, हम सबको प्रेरणा मिले और हम सब किसी के लिए ऑर्गन डोनर बने, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एंड आई रियली वांट टू स्टैंड अप एंड सल्यूट यू फॉर योर सैक्रिफाइस। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए और हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपने जो किया है, आई होप एवरी इंडियन डज इट, एंड आई कैन जस्ट से वन थिंग दैट नैन्सी इज स्टिल अलाइव बिकॉज ऑफ यू गाइस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड उसके लिए मेरा सलाम, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। दीपाली, आप कैमियो में भी आती हो तो छा जाती हो, वो जो जॉ लॉक करना था वो आसान नहीं था, बहुत अच्छा किया आपने बेटा। लेकिन रियल जो इस एक्ट के दो हीरोज़ हैं वो अनीश और सोहम हैं, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे 3 जजेस को प्लीज़ आप स्टेज पर आए और जनहित मेडल एंड सर्टिफिकेट से इन्हें फेलिसिटेट करें।
अगर आप भी जानते हैं ऐसे ही किसी अनसंग रियल लाइफ हीरो को जो अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीते हैं तो response@zee.slgroup.com पर हमें भेज दीजिए उनकी कहानी। उनमें से कुछ चुनिंदा कहानियों को हम इस शो का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। दादा और पोते का प्यार तो आपने बहुत देखा होगा, पर क्या उनकी कभी नोकझोंक देखी है? मुगलिया सल्तनत की ये एक ऐसी रॉयल नोकझोंक लेकर आ रहे हैं खाने के दीवाने बेंगलुरु से श्रीशा, आसाम की कड़क ड्रामेबाज शुभांगी मंजीत और जयपुर से बातों के बादशाह गर्वित पारेख। सुता चलीम, तू आ गया, चुना लगा के। अरे माँ ये सब छोड़, मेरे दादू के वजह से मूड खराब हो गया। परसों टीचर ने पूछ लिया कि अकबर ने पहली लड़ाई कब लड़ी, तब मैंने कहा जब दादी ने पहली बार खाना बनाया था। छोटे सलीम, ये क्या हो रहा है? दादू आपके कारण मेरा जीना हराम हो गया। हर कोई पूछता है अकबर ने ये लड़ाई कब लड़ी, वो लड़ाई कब लड़ी, इतनी लड़ाइयां कर ही लेते थे तो कोई एक्शन फिल्म फाइल ही कर लेता। यार मेरी रेपुटेशन खराब हो गई है मार्केट में। क्या बकवास कर रहे हो तुम छोटे सलीम? तुम जानते नहीं ऐसे बातें मुगलों को शोभा नहीं देती। क्या मुगल, मुगल दुनिया गूगल तक पहुंच चुके और ये मुगल से आगे नहीं बढ़ रहे। बेटा ओल्ड मैन से ऐसी बातें नहीं करते, मैनर्स भूल गए क्या तुम? भूख लगी है। ये ले, खा ले और खा ले। अरे विवेक सर, मेरी माँ को दीवार में चिन रहा है, 7 साल हो गए। बीएमसी वाले भी 2 बार आ चुके हैं। दीवार के साथ साथ मम्मी भी रीडेवलप पैन में जाएगी। माँ चिपकली दादू पे, फिर तू दादू पे। अनारकली, समझाओ अपने बेटे को कुछ, वरना हम गुस्से में कुछ गलत खा बैठेंगे। अरे और कितना गलत खाएगा, गलत खा के ही तो ये हाल हो गया। माँ दादू का मुंह ठीक करो वरना खा के फट जाएंगे। क्या करूं? हाँ नाच लेती हूँ, बहुत सालों से नाची नहीं हूँ मैं। छूना लगा के हर छोड़ झाड़ गए अपने सलीम की गली। क्या बात है यार, क्या बात है, मजा आ गया। गर्वितो LOL LOL OMG बढ़िया किया। मुझे लगता है कि कॉमेडी में आप लोगों से इससे अच्छी देख चुका हूं। आज कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन लय और ताल उतना मिला नहीं, बट अच्छा था। आप तीनों जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग गए हो। शुभांगी, आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा वेरिएशन थी। चुना लगा के वाज वेरी क्यूट। मुझे क्या लग रहा था कि तीनों अच्छा कर रहे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम तीनों के परफॉर्मेंस में नहीं लग रही थी, बट आई थॉट कि एक्ट डिडंट कम टुगेदर फॉर मी। ओहो क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग सा बन रहा है ये। चूना लगा के ये एक्ट ना, मुझे ऐसे लगा कि पूरा चूना लगाया आपने। बहुत अच्छा चूना लगाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा।
फ्रेंकली, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, आई एंजॉयड इट. इसको मैं दे दूंगा सुपर डुपर हिट. क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सब तीनों और मेहनत करो. आई वॉन्ट टू गिव दिस एक्ट अ हिट. येलो ऑरेंज ग्रीन, येलो ऑरेंज ग्रीन, येलो ऑरेंज ग्रीन, येलो ऑरेंज ग्रीन, ग्रीन 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 ऑरेंज ऑरेंज सुपर हिट. अच्छा गर्वित, आपके दादा दादी आए हैं ना, उनको बुलाओगे नहीं स्टेज पे? अरे आप आ जाओ ना, किसने मना किया, क्यों डरते हो ना तुम? अपना स्टेज है, आ जाओ. दादी जी, आपको गर्वित का एक्ट कैसे लगा? गर्वित का अच्छा लगा मेरे को. अच्छा लगा? ये घर में आपको एक्टिंग सिखाता है क्या? नहीं मेरे को नहीं सिखाता है मेरे को. गर्वित, अरे सिखाया कौन सा वो? कौन सा डायलॉग गर्वित, कौन सा डायलॉग सिखाया? नहीं था. हाँ तो सुना के दिखाओ, बताओ बताओ. ये स्कूल जाता है ना, तब ये तैयार हो जाता है, तब मैं बोलती हूँ गर्वित बहुत स्मार्ट लग रहे हो. तुम पहली बार नोटिस किया? गर्वित, दादी के बारे में कुछ बताओ, दादी क्या करती है घर पे? दादी ना रात को जब हम सो जाते तब चुप चुप के डांस करती है. राधा तेरी चुनरी यहाँ पे. दादी चुप चुप के डांस करती है. हाय हाय दादी. म्यूजिक. बहुत बढ़िया दादी, बहुत बढ़िया. दादी हुमा भी आ गए आपके साथ डांस करने. आहा, जोरदार तालियां हो जाए भाई. सो इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज में अब वो वक्त आ गया है जब जजेस को लेना होगा ये टफ डिसीजन. तो पूछते हैं उन्हीं से कि कौन है वो ड्रामेबाज जिसे होमवर्क मिलेगा और उसे घर वापस जाना पड़ेगा. उमंग सर बताएंगे कि किन बच्चों को रिवीजन में डाला जा रहा है. पहला नाम है शुभांगी, दूसरा है आरएसएस और तीसरा है ज्योत. इतने सीरियस क्यों लग रहे हो यार तुम? इतनी टेंशन में, बाप रे. हाँ करेक्ट, ऐसी हंसते मुस्कुराते चेहरे तुम्हारे होने चाहिए तीनों के तीनों के. सो फर्स्ट प्रॉमिस, कोई नहीं रोएगा. यस. और सब प्रॉमिस करते हैं दिल पे हाथ रख के कि हम अगले साल अगर गए तो और मेहनत करेंगे, फिर वापस आएंगे, अपने मम्मी पापा का, दादा दादी का, नाना नानी का, हम सबको एकदम नाम रोशन करेंगे, सबको प्राउड फील कराएंगे. द वन नेम जो होमवर्क के लिए जा रहा है इज आर लवली लवली डार्लिंग शुभांगी.